Want to sound more sophisticated without complicating the language? I'm going to give you 7 simple phrases that will instantly make you sound sophisticated and polished. So if you like the video, please share it. Let's begin with the first one. Our first phrase is in the light of. In the light of ka matlab hota hai because of, ki wajah se. For example, I can say because of the recent changes, we'll have to reschedule the meeting. So instead of saying because of, you can say in the light of recent changes, we'll have to reschedule the meeting. And a very good alternative of the same is considering. Considering the delay, we'll have to speed up our process. And the second phrase is it appears that. It's a subtle way of saying it looks like. It appears that we have run out of time for today's meeting. And a very good alternative of the same is it seems. So aap it seems, it appears that dono ka istemal kar sakte hain it looks like ki jagah. And the third one is to put it simply. ये किसी भी चीज़ को जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंप्लीफाइड वे में कहने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं टू पुट इट सिंपली वी नीड मोर हैंड्स ऑन डेक टू मीट द डेडलाइन. अब आप इसकी जगह पर इन अदर वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन से इन अदर वर्ड्स टू मीट द डेडलाइन वी नीड मोर हैंड्स ऑन डेक. एंड द फोर्थ वन इज आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव. आपको बहुत बार कहने की जरूरत पड़ती है आई थिंक और आई बिलीव, और ये बार बार कहते हुए थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है. सो उसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट वी आर गोइंग टू मीट अवर डेडलाइन दिस टाइम. आप इसकी जगह पर इन अदर वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव और इन अदर वर्ड्स दे आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स देन सेइंग आई थिंक आई बिलीव और आई फील. एंड द फिफ्थ वन इज फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप अपना पर्सनल या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड द कस्टमर्स रिस्पॉन्ड बेटर टू कस्टमाइज्ड ईमेल्स. आप इसकी जगह पर इन माई एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई एक्सपीरियंस इज बेटर देन आई हैव नोटिस्ड. तो उसकी जगह पर आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड द सिक्स्थ वन इज दैट बीइंग सेड. इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम अपना कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दे रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में. तो आप हाउएवर की जगह दैट बीइंग सेड का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं वी आर वेल ऑन ट्रैक दैट बीइंग सेड वी कैन नॉट बी लीनियंट. और आप इसकी जगह पर एक बहुत अच्छे अल्टरनेटिव हैविंग सेड दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जब भी आपको हाउएवर का इस्तेमाल करना हो अब आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं दैट बीइंग सेड हैविंग सेड दैट. एंड द लास्ट वन इज एट द एंड ऑफ द डे. इसको इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी पॉइंट्स को समराइज करने के लिए और जोर देने के लिए स्ट्रेस करने के लिए. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दैट वी डिलीवर ऑन टाइम. इसकी जगह पर आप अल्टीमेटली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. And that's a very good phrase actually if you want to summarize something. So these were our 7 phrases that make you sound sophisticated and polished. आप इनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और comment section में मुझे बताइएगा कि आपने सबसे पहला phrase कौन सा इस्तेमाल करना है. और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो share जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. See you in the next video.